सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की दादागिरी दिखी है, डॉक्टर की दादागिरी दिखी है सरकारी अस्पताल में। बड़ी खबर क्या चल रही है, डॉक्टर ने मरीज के पिता के साथ मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी वारदात। बच्चे का इलाज कराने आए पिता से मारपीट की है डॉक्टर ने, परिजन लगा रहे थे इंजेक्शन लगाने की गुहार, डॉक्टर ने बच्चे के परिजनों से गाली गलौज की, डॉक्टर ने बच्चे के पिता का फोन भी तोड़ दिया। पीड़ित पिता ने पीएमओ और डीसी को शिकायत दी है। मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है इस टैग के साथ कि ऐसे डॉक्टर से भगवान बचाए। कैथल से बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की दादागिरी दिखी है, डॉक्टर ने मरीज के पिता के साथ मारपीट की, अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की पूरी वारदात। बच्चे का इलाज कराने आए पिता से मारपीट की गई है, परिजन लगा रहे थे इंजेक्शन लगाने की गुहार, डॉक्टर ने बच्चे के परिजनों से गाली गलौज की, डॉक्टर ने बच्चे के पिता का फोन भी तोड़ा। पीड़ित पिता ने पीएमओ और डीसी को दी शिकायत। ये वही वीडियो है जो लगातार तेजी के साथ वायरल हो रही है, देखिए जरा डॉक्टर की करतूत। परिजनों की गलती बस इतनी थी, पीड़ित पिता की गलती बस इतनी थी कि उसने डॉक्टर से इंजेक्शन लगाने की गुहार लगाई। डॉक्टर आवेश में आ गए और डॉक्टर की हरकत आप देखिए, मारपीट शुरू कर दी, पीड़ित पिता का फोन तोड़ दिया, धक्के मारते हुए बाहर लेकर गया डॉक्टर। विपिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, क्या हुआ था यहाँ पर, ये डॉक्टर का कैसा चेहरा? जी आपको बता दें कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती कि एक आठ वर्षीय बच्चे का पिता है, उसका बेटा पैड़ियों में गिरने की वजह से चोटिल हो गया था, उससे खून बह रहा था, उसने सिर्फ डॉक्टर से इतनी ही गुहार लाई कि मेरा बच्चा परेशान है, दर्द से पीड़ित है, कम से कम उसको दर्द का इंजेक्शन लगा दीजिए, खून बंद हो जाएगा। परंतु डॉक्टर झल्ला गए, सुन नहीं रहे थे, उनकी कागजों की रिपोर्ट उनके मुंह पे फेंक के मारी, उनका फोन तोड़ दिया और उनके साथ मारपीट करते हुए कमरे से बाहर तक आए और बाहर आकर भी मारपीट की। अगर ये तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं होती है, वीडियो वायरल नहीं होती, तो यही डॉक्टर मरीज के ऊपर इल्जाम लगा देते कि उन्होंने हमारे काम में बाधा पहुंचाई है और डॉक्टरों के साथ मारपीट करने की कोशिश की है। ये तो सीसीटीवी कैमरे है कि तीसरी आंख ने देख लिया और डॉक्टर की पूरी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और बच्चे के पिता ने इसकी शिकायत पीएमओ को और कैथल के उपायुक्त को दिया है कि उसे न्याय दिलवाया जाए। आपको बता दें कि ये बच्चा पहले भी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, परिजन पहले ही बहुत परेशान थे, ऊपर से बच्चे को चोट लग गई, सरकारी अस्पताल में परंतु इलाज की बजाय उन्हें मिला क्या मारपीट। विपिन, पीएमओ में और डीसी को जो शिकायत दी गई है उस पर जब कार्रवाई होगी तब होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। इस तरह की हरकत किसी भी डॉक्टर की तरफ से बर्दाश्त, किसी की तरफ से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फौरी तौर पर अस्पताल प्रबंधन ने क्या एक्शन लिया? जी आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन किसी भी मीडिया कर्मी का फोन नहीं उठा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर का मामला है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज वहीं से जिस तरीके से भी लीक हुई, अगर लीक नहीं होती तो आज ये ना तो मामला सामने आना था और उल्टा मरीज को ही इन्होंने दोषी बना देना था। अब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लीक हो चुकी है, टीवी चैनल को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को बचाना तो मुश्किल है ही है, लेकिन कोशिश बचाव की चल रही है। कोशिश अगर बचाव की है तो नाकाम होनी चाहिए। अपडेट के लिए नजर बनाए रखिए, जरूर लौटूंगी अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया।